नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार बने पूर्व आईएफएस अधिकारी बीडी सिंह कल ग्रहण करेंगे कार्यभार। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, उधम सिंह नगर में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम धामी बोले, आपदा को रोकथाम संभव नहीं, राहत बचाव कार्य में हो प्राथमिकता। उत्तराखंड में शराब सस्ती करने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में बह रही उल्टी गंगा। उत्तराखंड में बिगड़े मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई, बारिश और ओलावृष्टि से तैयार फसल हुई बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। बद्री केदार मंदिर समिति में सीईओ रहे और पूर्व आईएफएस अधिकारी बीडी सिंह को सीएम धामी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। कल यानी बुधवार को बीडी सिंह सलाहकार की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सीएम धामी ने भी उन्हें सलाहकार बनाकर सबको चौंका दिया है। बीते 3 दिन से पंजाब पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियों भी खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। वहीं भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड के हाई अलर्ट वाले जिले उधम सिंह नगर में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। उत्तराखंड में आपदा से हर साल जान माल का भी भारी नुकसान होता आया है, साथ ही कई लोगों को आपदा ने बेघर कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा को रोकना संभव नहीं है, लिहाजा राहत बचाव कार्य को तत्काल किया जाए, ये प्राथमिकता रहती है। धामी सरकार की नई आबकारी नीति को विपक्ष ने विरोध किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शराब सस्ती करने पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की एक बार फिर सर्दी का एहसास करा दिया है। बारिश और बर्फबारी के कारण किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन दिनों श्रीनगर में गढ़वाल वीवी के चौराज स्टेडियम निर्माण के लिए लाखों टन मलबा डंप किया जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में इस मलबे को रोकने के लिए जो सुरक्षा दीवार है वो खुद ही क्षतिग्रस्त है। ऐसे में श्रीनगर में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में उत्तराखंड में हुई रिवर्स पलायन को देखते हुए राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना शुरुआत की थी। इसी के तहत 2021 में अति सूक्ष्म उद्यम योजना की शुरुआत की गई, लेकिन ये योजना परवान नहीं चढ़ सकी। आलम यह है कि अब तक इस योजना का लाभ महज 16% लोगों को ही मिल पाया है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पद के दुरुपयोग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूर्व में दिए आदेश का पालन करने को कहा है। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर किसानों और काश्तकारों को मुआवजा देने की मांग की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में होटल कारोबारियों ने सरकार का पुतला फूंका। होटल कारोबारियों का गुस्सा चारधाम में यात्रियों की समिति संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर है। प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए डीएम के माध्यम से ज्ञापन सीएम को भी भेजा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।